नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे मंदिर की जानकारी जहां भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए थे। दोस्तों इस तरह के देश में चार मंदिर हैं जहां भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा विराजित है, अर्थात जहां भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए थे। उन चार मंदिरों में से यह एक मंदिर है जो सीहोर में स्थित है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड चिंतामन गणेश मंदिर। दोस्तों देश में चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर स्थित है। उन चार मंदिरों में भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमाएं हैं, इनमें से एक सीहोर में स्थित है। यहाँ साल भर लाखों श्रद्धालु आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं व अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों इस मंदिर की एक खासियत और है, इसमें मनोकामना मांगने पर उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इस स्वास्तिक को सीधा किया जाता है। यह इस मंदिर की विशेषता है। कई सिद्ध मंदिरों में चिंतामन गणेश मंदिर भी है। पूरे देश में कुल चार चिंतामन मंदिर हैं। सीहोर के अलावा उज्जैन, गुजरात और राजस्थान में भी भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा विराजित है जहाँ भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए थे। दोस्तों सीहोर में स्थित चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर के चिंतामन गणेश यथा बेहद रोचक है और अधिक माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना लोग गणमान्य ने की थी, लेकिन इसकी एक वीडियो और चिंतामन गणेश मंदिर उसे अवश्य देखें। भगवान गणेश स्वयं विक्रमादित्य के सपने में आए और उनसे कहा कि पार्वती नदी के तट पर एक पुष्प रूप में इसकी लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लेकर और आप हमारे चैनल काम की बात ने सही किया। भगवान के अनुसार वह पार्वती नदी के तट पर गया, उन्होंने वह पुष्प उठाया और अपने रथ पर रखा। वह अपने सैनिकों के साथ चल दिए, पर अचानक ही कुछ दूरी पर जाकर उनके रथ का पहिया फंस गया और वह पुष्प नीचे पृथ्वी पर गिर गया। जैसे ही पुष्प पृथ्वी पर गिरा वह एक मूर्ति में परिवर्तित हो गया और भगवान गणेश वहां स्थापित हो गए। विक्रमादित्य के सैनिकों ने बहुत प्रयास किया उस मूर्ति को साथ लेने का, परंतु वह मूर्ति वहां से एक इंच भी नहीं खसकी। विक्रमादित्य ने हार मानी और उस मूर्ति की वही स्थापना कर दी। इस प्रकार दोस्तों वह पुष्प गणेश मूर्ति में परिवर्तित होगा, इस प्रकार भगवान गणेश स्वयं वहां प्रकट हो गए। दोस्तों गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वह गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हम प्रोत्साहित होंगे और आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आपको सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी मालूम करना है तो आप हमारी एक वीडियो और है चिंतामन गणेश मंदिर, उसे अवश्य देखें जिससे जिसमें आपको चिंतामन गणेश मंदिर में पहुंचने का रास्ता व पूरी आपको जानकारियां मिलेंगी। इसकी लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और आप हमारे चैनल काम की बात इनके शर्मा के साथ भी जाकर सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।